स्वागत है दोस्तों आज के अपने YouTube चैनल ठाकुर जी सपोर्ट में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में ज्यादातर यूज किए जाने वाले नॉरफ्लॉक्स 400 टेबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये किन किन बीमारियों में काम आती है, इसको कब लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसको लेने से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हमारे YouTube चैनल ठाकुर जी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों नॉरफ्लॉक्स 400 टैबलेट या एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका उपयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 100 mg, 200 mg, 400 mg, 800 mg अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ आपको मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो नॉरफ्लॉक्सोसिन लैक्टोबैसिक की MRP की बात की जाए तो लगभग 71 rupees की 10 टेबलेट आती है। देन इसका यूज क्या क्या है, जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है यानी पेशाब के रास्ते में जलन होता है या फिर दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा दस्त चलने लगता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में मरोड़ रहता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा पेट का इन्फेक्शन हो गया है, साथ साथ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो गया है, इन सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स 400 टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है या फिर निमोनिया हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत लोग में दांत में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी यूज किया जाता है। मसूड़े से रिलेटेड किसी प्रकार के इन्फेक्शन को ये दूर करता है, जैसे पेट की संक्रामक, योनि के संक्रामक, आंतों के संक्रामक, फेफड़े के संक्रामक, त्वचा के संक्रामक, हड्डियों के संक्रामक, मस्तिष्क के संक्रामक, मसूड़े और दांतों के संक्रामक इत्यादि। देन इसका डोज क्या क्या है, नॉरफ्लॉक्स 400 टेबलेट उपचार के समय रोगियों की स्थिति और दवा के शुरुआती लक्षण के अनुसार दिया जाता है। इसकी खुराक डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, इसीलिए तय की गई मात्रा से ज्यादा ना ले। इसकी सामान्य खुराक एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। 18 साल से नीचे वाले बच्चे को ये दवा नहीं दे या फिर देने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उसका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी हमें होना चाहिए। अगर आपको मुझसे कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो चले जानते हैं कि किन व्यक्ति को ये दवाई नहीं लेना चाहिए। देन जो पेशेंट किडनी डिजीज या लिवर डिजीज से ग्रस्त है उनको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अब हम देखते हैं इस टेबलेट का इंडिकेशन क्या क्या है। जो अल्कोहल लेते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए, या फिर जो महिला बच्चे को दूध पिलाता है या फिर जो महिला गर्भवती है उसे यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। देन इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। इस टेबलेट को लेने के बाद आपको दस्त लगने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा, या फिर आपको त्वचे पे लाल चकत्ते होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर आपको बुखार लगने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर इस दवा को लेने से अगर चक्कर आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर आपको पेट में दर्द होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।